ये सब पैसेंजर्स हो गए, टोटल अभी अन्ना टोटल आज कितने पैसेंजर्स ऑन बोर्ड? 30 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, टोटल पैसेंजर कैपेसिटी कुछ 40-41 आपके लिए। इससे पहले पैसेंजर्स बोर्ड करें, सबसे पहले आपको इंटीरियर दिखाया जाए, बिकॉज देखिए जर्नी की शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो हमको यहाँ पर एक फ्लावर और एक ये कुकीज दी गई है, थैंक यू सो मच। नम्मा बेंगलुरु, आज की डेट ऑफ जर्नी 24th February। इससे पहले अगर आपको ध्यान हो, मैंने KSRTC की आपको अंबारी ड्रीम क्लास दिखाई थी, एरावत क्लब क्लास दिखाई थी, फ्लाई बस भी दिखाई थी, बट आज आपके सामने KSRTC बहुत कुछ एक्सक्लूसिव लेकर आई है। एंड दिस इज अंबारी उत्सव, बिल्कुल न्यूली लॉन्च्ड वॉल्वो 9600 मल्टी एक्सल AC स्लीपर आपको मिलेगी। और आज मान लीजिए बिल्कुल आज इसकी शुरुआत यहाँ से होने जा रही है और आपके सामने व्लॉग नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? शुरू करें? नहीं, आपको स्टाइल बता दो, कमन हेडफोन लगाइए, डिवाइस को कीजिए फुल स्क्रीन। इस तरफ आपको देखेगी एरावत, बीच में खड़ी है अंबारी उत्सव, और अगर आप उस तरफ देखोगे यहाँ पर आपको मिलेगी अंबारी ड्रीम क्लास। क्या कहने, तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। आप कलर कॉम्बिनेशन देखिए, लाइट्स देखिए, पूरा आपको सब कुछ व्लॉग में दिखाया जाएगा, इंटीरियर वगैरह सब कुछ। बट देखिए डिज़ाइन वगैरह, कलर पैटर्न क्या लगता है, व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत एक्साइटमेंट है भाई। करंट लोकेशन बस टर्मिनल 1 नंबर 1, और जो हमारी अंबारी उत्सव है हैदराबाद के लिए वो है कुछ 10:15 की। 10 बज चुके हैं, अगर आप देखोगे पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं, लगेज बोर्ड किया जा रहा है, कुछ पैसेंजर्स वहाँ हैं जो अंबारी ड्रीम क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। अब वो ये बोल रहे हैं हमको पता नहीं था कि अंबारी उत्सव लॉन्च होने वाली है, अदरवाइज हम अपनी टिकट बुकिंग इसमें करते। बट ध्यान रखिए, अब अगर आप इस रूट पर ट्रैवल करने वाले हो फ्रॉम बेंगलोर टू हैदराबाद, मैसूर, बहुत अलग अलग रूट्स के लिए अब ये अंबारी उत्सव लॉन्च होने जा रही है, तो ध्यान से ऑनलाइन बुकिंग कीजिए और अंबारी उत्सव में ट्रैवल कीजिए, बिकॉज दिस इज़ वॉल्वो 9600, मतलब जो कम्फर्ट आपको इसमें मिलेगा मल्टी एक्सल AC स्लीपर। अभी मैं आपको आगे पूरी जर्नी दिखाऊंगा, एकदम ये मानिए मक्खन की तरह। और जब नेशनल हाईवे पर वॉल्वो चलेगी, जैसे मैं आपसे कहता हूँ वॉल्वो चलती नहीं है, वॉल्वो उड़ती है, एयरप्लेन में हो गया एमिरेट्स A380, और बस में अगर आपको बताऊँ अब इंडिया में हो गई वॉल्वो 9600। भाई साहब KSRTC जो ये कलर जिसने डिसाइड किया है ना, लाजवाब लाजवाब। अब देखो एक और आई KSRTC की, ये आई शायद जहाँ तक है स्कैनिया, देख रहे हो कलेक्शन, देखो भाई साहब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास आप बसेस का कलेक्शन देखो। हम जा रहे हैं बेंगलोर टू हैदराबाद। सबसे पहले पैसेंजर्स बोर्ड करें, सबसे पहले आपको इंटीरियर दिखाया जाए, बिकॉज देखिए जर्नी की शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो हमको यहाँ पर एक फ्लावर और एक ये कुकीज़ दी गई है, थैंक यू सो मच, एज अ वेलकम ऑफ टोकन आप कह लीजिए। अब सबसे पहले आपके लिए पूरा इंटीरियर बनता है, अक्षय भाई हमारे साथ हैं, आप ये देखिएगा बिल्कुल ब्रांड न्यू बस है, आप ये मान लीजिए बिल्कुल वॉल्वो फैक्ट्री से आपके सामने निकल कर आई है। AC फ्लैप्स हो गया, रीडिंग लाइट्स मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, सब वाटर बॉटल रखने का आप देख लीजिए। इस तरफ कलर कॉम्बिनेशन देखिएगा, इस तरफ पूरा ये यहाँ हो गया, ये इस तरफ आपको दिखा दूँ, दिस इज़ डबल का ये लोअर हो गया और ये हो गया अपर। थोड़ा आगे चलेंगे, अभी फिलहाल क्या AC चालू नहीं किया, बट आप देखिए लाइट्स कॉम्बिनेशन आपको क्या लगता है, अब तक ना जाने कितनी वॉल्वो बस जर्नीज की, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी यूनिक वन, बिकॉज 9600 इंडिया में बिल्कुल अभी लॉन्च हुई है, हार्डली 2-3 रूट पर चल रही है, और एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन KSRTC आपके सामने वो लेकर आई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चार्जिंग पॉइंट में ढूंढ रहा था, यस USB चार्जिंग पॉइंट आपको दिया गया है, कलर कॉम्बिनेशन। बट अगेन यहाँ पर आपको वॉशरूम ऑन बोर्ड नहीं है अगर आप देखोगे, प्लस आपको यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए TV स्क्रीन इज स्टिल मिसिंग। खैर कोई बात नहीं, मैंने सोचा था 9600 शायद आपको वॉशरूम ऑन बोर्ड अब तो कंपलसरी गवर्नमेंट को कर देना चाहिए, बट पता नहीं, आप देख लीजिएगा। इस तरफ आपको पीछे पूरा लास्ट का दिखा दिया, ध्यान रखिएगा वॉल्वो में जब भी ट्रैवल कर रहे हैं लास्ट की सीट बिल्कुल ना लें। आप देखोगे आई गेस कुछ पैसेंजर कैपेसिटी उसकी होगी 40-45 समवेयर, 40 आई कैन सी, आई गेस 40 होगी, यहाँ पर CCTV कैमरा नहीं है पीछे, खैर कोई बात नहीं आप देखोगे तो। और जो मैंने सीट ली है, मैंने ली है लोअर 14 मेरी सीट है, यस विंडो वाली ये सीट मैंने ली है, यहाँ पर आप देखोगे तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है पूरा आपको दिखाया जाएगा। इंटीरियर आपको कैसा लगा 9600 का, ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। सबसे अच्छा मेरे को लगा है लाइट्स का कॉम्बिनेशन, कर्टेंस आपको हो गए फॉर प्रिवेसी, वाटर बॉटल, ब्लैंकेट वगैरह आपको आगे क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा वो सब आपको दिखाया जाएगा। ये देखो वॉल्वो की आपको यहाँ पर फर्स्ट क्लास ब्रांडिंग पूरी मिलेगी। जर्नी की शुरुआत होने से पहले हमारे साथ ड्राइवर अन्ना मौजूद हैं,
दादा आप कितने साल से वॉल्वो चला रहे हैं? 15 साल से। वॉल्वो ड्रीम क्लास, आप अंबाई ड्रीम क्लास आपने चलाया? चलाया। और ये वाला अब आपने गाड़ी चलाया, बराबर? दोनों में सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या लगा? वो गाड़ी को वो स्मोक की कुछ भी आ रहा नहीं ये गाड़ी में। अच्छा, वो गाड़ी में वो कर रहे, ये गाड़ी में कुछ स्मोक आ रहा है। अच्छा, वो गाड़ी लंबा है, बड़ो है, सीट होने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, वो बहुत टेक्निकल गाड़ी है, वो टेक्निकल गाड़ी है। बट जब हाईवे पे अंबारी आपने चलाया होगा ट्रायल के लिए, तो उस सब में ज़्यादा मज़ा है कि अंबारी में ज़्यादा मज़ा? ये गाड़ी मज़ा रहा है, ये मज़ा आ रहा है ना। देखो आप अन्ना के चेहरे पे, आप स्माइल देखो, नेशनल हाईवे पर दौड़ती है कि उड़ती है? आप देखो, तो दो ड्राइवर ना है, कोशिश करेंगे आपसे आपकी बातचीत करेंगे। करंटली आप देखो पूरी लिस्ट इनके हाथ में, सब पैसेंजर्स वगैरह ये बोर्ड करा रहे हैं, और एक पीछे ड्राइवर अन्ना बोल रहे हैं, उनसे भी हम आगे बातचीत करेंगे। सब पैसेंजर्स हो गए? टोटल अभी अन्ना टोटल आज कितने पैसेंजर्स ऑन बोर्ड? 30 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, टोटल पैसेंजर कैपेसिटी कुछ 40-41 आप कह लिए। रेडी अन्ना? थैंक यू सो मच। हाँ, नम्मा बेंगलुरु। थैंक यू। आगे पता नहीं ये मौका मिले ना मिले, तो आपको ये ज़रूर मेरे को दिखाना है। ड्राइवर अन्ना की सीट आप देख लीजिए, कोशिश करते हैं जितना मैं आपको दिखा पाऊँ। यहाँ पर देख लीजिएगा जो जो पूरे फंक्शंस दिखाए गए हैं। अभी तो आई गेस हमारी वॉल्वो को डाउन कर दिया गया, ये देखो यहाँ पर सब स्पीड शो करेगा कितना किलोमीटर चली। अगर आप देखोगे सिर्फ 353 किलोमीटर, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ जूम करके, देखो सिर्फ अभी 353 किलोमीटर चली है टेस्टिंग ट्रायल के लिए। यहाँ पर ये रेयर कैमरा हो गया, प्लस अगेन पूरी लाइट्स वगैरह सब फंक्शंस आप देखो, पता नहीं कितनी बटन्स। और आप देखोगे वॉल्वो की स्पेशलिटी ये हो गई, पूरी ऑटोमेटिक गियर। आगे तो देखो, अब दादा अन्ना को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको बस जर्नीज पसंद है। बट वाकई में एज़ कम्पेयर टू इवन अगर हाईएस्ट से कंपेयर करोगे, वॉल्वो B11R से भी आप कंपेयर करोगे, तो दिस इज़ वेरी यूनिक। जैसा मैंने आपको बताया, द बेस्ट पॉजिटिव पार्ट इज कि इसको बनाया जा रहा है वॉल्वो, ऐसी वॉल्वो सब बनाई जाएंगी हमारे भारत में। अगर आप बस लवर हैं ना, तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, बट दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। ये हो गई वॉल्वो B11R। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका ये नीचे, देखो यहाँ पर आप ये गैप देख रहे हो, दिस इज अंबारी ड्रीम क्लास हाँ B11R। ये हो गई हमारी वॉल्वो 9600 BS6 टेक्नोलॉजी पर। और आप ये देखिए, इसका अगर आप स्पेस देखोगे यहाँ पर, आपको नीचे ही मानिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल रही यहाँ पर। और दोनों गाड़ी आप मान लीजिए वॉल्वो लगभग एक ही पैटर्न में खड़ी हैं अगर आप देखोगे, सो आप डिफरेंस समझ रहे हो। ये है मतलब दिस इज़ B11R जो सबसे लेटेस्ट अब तक थी अंबारी ड्रीम क्लास, बट अब आ चुकी है वॉल्वो 9600 द लेटेस्ट वॉल्वो बसेस। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद इन बसेस को, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इन बसेस को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आप पब्लिक में एक्साइटमेंट देखिए, लोग फोटोग्राफ ले रहे हैं बसेस के साथ, देखिए अभी तो जा रहे हैं सब अंदर। इस जर्नी में आएगा मज़ा। थैंक यू KSRTC। हम तीनों को ना जाने आपने कितनी ट्रेन जर्नीज में देखा होगा, बट साथ में अब हम बस जर्नी कर रहे हैं। कुछ नए करने की तलाश में निकले थे, ज्यादा ही नया हो गया, बिल्कुल नया भाई, बिल्कुल एक, हाँ एकदम लोगों के लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट और साथ में इंफोटेनमेंट आज आई है BS6 की। एक बात बता रहा हूँ लोलेश भाई यार। हाँ जी, बस का इंटीरियर आपको कैसा लगा? अंबारी से आपने तो ट्रैवल किया है, अंबारी से ये बताओ आप। नहीं बट देखो इंटीरियर तो खैर बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह। अब ये जब चलेगी ना, जैसे मैंने आपको बताया था, डिफरेंस आएगा कंफर्ट में, ये आप मान के चलो। आप ये होगा एक्सपर्ट रिव्यू, बिल्कुल ये आप मान के चलो एयरबस A320 कह लो, बट ये हो गई एयरबस A380 वो भी एमिरेट्स की। क्या अभी तो देखना जब ये चलेगी ना, हम आईएएस पैसेंजर मजे लेने आए। अभी तो देखना जब ये नेशनल हाईवे पे चलेगी ना, और डिफरेंट रूट्स पर, तब देखना ये वॉल्वो अब स्पीड। आपकी ड्रेस में पीछे सीट है। हाँ, मैं एक चीज बाद में बताना कि आपको इसकी साउंड में क्या डिफरेंस है, वो पक्का पक्का ये सब रिव्यू ड्यूरिंग द जर्नी देखने के बाद। तब यार यू रेडी? रेडी ना, धमाल मचाएंगे, आज धमाल मचाएंगे। We'll be right back.
मेन रोड पर आ चुके हैं। अब वॉल्वो ने पकड़ी रफ्तार और आप देखिए बाहर का कोई शोर शराबा नहीं, आप कंफर्ट देखो। और लाइट्स इन्होंने क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं, लाइट्स इन्होंने बिल्कुल डिम कर दिए है। आप बस में माहौल देखिए, करीब 30 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, सिर्फ यही है एंटरटेनमेंट के लिए टीवी स्क्रीन नहीं है, और सिक्योरिटी के लिए इस वाली बस में सीसीटीवी कैमरास नहीं है, बट मे बी अदर बसेस में शायद। और आप देखिए बाहर के नज़ारे, और अगर आपको नज़ारे ज़्यादा ही पसंद है तो आई वुड रिकमेंड यू अपर बर्थ लीजिएगा। कॉस्टिंग वगैरह मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बेंगलोर से चले हमें करीब 1 घंटा कुछ हुआ है अभी, अब देखते हैं आगे कहाँ ब्रेक आता है, आपसे और बातचीत होगी। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा है, अंदर तो चलो ठीक है, अगर आप केबिन में भी बैठोगे तो भी आपको आवाज़ बाहर की दिखो, बिल्कुल शोर शराबा सुनाई नहीं देता। यही है, पैसे ज़्यादा जाते हैं बट जो कंफर्ट आपको वॉल्वो 9600 में मिलती है, दैट इज़ BS6 टेक्नोलॉजी। और ध्यान रखिए जितने भी बस जर्नीज मैंने की हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हेडफोन लगाइए और देखिए जितनी बस जर्नीज देखना चाहते हैं। अब देखो वो तो क्या है, गवर्नमेंट बस है तो उन्होंने आई गेस मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कुछ 80 कर रखी है। अदरवाइज आपको पता है ना, अगर वॉल्वो हाईएस्ट स्पीड पे जाएगी तो जर्नी चल रही है कहीं। तो आई गेस हम हैं नेशनल हाईवे 44 के किनारे। सबसे पहले आपको कॉस्टिंग बता दूं जो मैंने पे किया है इस रूट के लिए बेंगलोर टू हैदराबाद, लगभग 1700 रुपीज़। हम कवर करेंगे 600 किलोमीटर्स, टाइम लगेगा 10 से 11 घंटे, ऑफिशियल ब्रेक नहीं है, डिनर तो ढाबा बंद हो गया, यहाँ पर सिर्फ वॉशरूम के लिए हमने ब्रेक लिया है बिकॉज वॉशरूम ऑन बोर्ड है नहीं। बट वो ये हाईवे पर क्या गाड़ी चलती है पूछिए मत, मतलब इतनी कंफर्टेबल जर्नी चल रही है। सत्य भाई मज़ा आ रहा है ना, सत्य भाई भी हमारे साथ है, बिल्कुल रात में पता नहीं हम कहीं तो रुके हैं। देखो रात में आपको बस दिखेगी नहीं, मज़ा आ रहा है ना जर्नी में, पूरा मज़ा जी, कंफर्टेबल। अरे यार KSRTC की कहना पड़ेगा। और आप देखिए नेशनल हाईवे की, मैं कह रहा हूँ नेशनल हाईवे की एकदम वाइब ही अलग है 1700 रुपीज़ में, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा पैसा थोड़ा ज़्यादा है बट ठीक है। रोज़ दिया गया है, ब्लैंकेट दिया गया है, कुकीज़ दी गई हैं, यस वी आर गुड टू गो। चलिए एक बार फिर से सफ़रनामा शुरू करते हैं, चलिए। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं लगभग 5 और आप देखो अब हम पहुंचे हैं कर्नूल। सबसे पहले कुछ टेक्निकल डिटेल्स, बस की फ्यूल कैपेसिटी आप मान लीजिए अराउंड 550, अभी करंटली फुल है तो ये जाएगी नॉन स्टॉप। बस की लेंथ अगर आप पूरी देखोगे तो वो हो गई 15 मीटर। आई गेस अंबारी जो है ड्रीम क्लास दैट इज़ 14.5 बट ये है 15। देखो यहाँ पर आई गेस एक और आई है, देखो आप बसेस देखो भाई साहब, यस लाजवाब बसेस। पीछे आप देखोगे तो यहाँ पर ये कोई पीछे टोल नाका है, चाय कॉफ़ी अगेन वॉशरूम वगैरह का ब्रेक है। अब यहाँ से ये बस जाएगी पूरा हमारी डेस्टिनेशन, पूरा नॉन स्टॉप जाने वाली है। बट ये कहना पड़ेगा जो बस में कंफर्ट है ना, मतलब अब तक की मैं आपको बता रहा हूँ तब की मेरी सबसे बेस्ट जर्नी, बिल्कुल ऐसी चल रही है पता ही नहीं चलता। अब मुश्किल से 1-1.5 घंटे हम सोए हैं, यहाँ पर वॉशरूम ब्रेक वगैरह, बस चलो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमारी बस के ड्राइवर अन्ना भी चेंज हो रहे हैं, हार्डली 10 से 15 मिनट का स्टॉप, बट साथ में खाना, अगर आप ट्रैवल प्लान बना रहे हो खाना पीना कैरी कीजिए,
अरे अभी तो देखिए कौन कौन से रूट पर अंबारी उत्सव आपको देखने को मिलती है, बाकी सब डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन दे रखिए और KSRTC की वेबसाइट पर आप ऑनलाइन फर्स्ट क्लास बुकिंग कर सकते हो। बट अंबारी अगर मैं आपको इस तरफ से दिखाऊँ, लाजवाब। शुरुआत की थी कल रात को करीब 10:30 बजे, अब बज रहे हैं सुबह के 8:30 और आप देख लीजिए हम पहुंच चुके हैं MGBS। मैं देखूंगा जर्नी एकदम रही हमारी लाजवाब। आप देख लीजिए अंबारी उत्सव, आप देखोगे पूरा अब डे में फाइनल एरिया, आप देखिए क्या ज़बरदस्त लगता है भाई साहब, सफ़र करके आ गया मज़ा। मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, बस ये ध्यान रखिएगा कोई थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट वगैरह और स्पीड पर ध्यान देना है, मैक्सिमम इस 80 स्पीड जाती है। खैर कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में आई एम श्योर कुछ और इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ, बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और हमारे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। अब ये वापस यहाँ से हैदराबाद से बेंगलोर जाएगी रात को 9 बजे, जैसा मैंने आपको बताया टिकट्स आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। बस भाई साहब अब आपके सामने बैक टू बैक बस जर्नीज, ट्रेन जर्नीज, बहुत कुछ। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए और अगर इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है इंस्टाग्राम पर ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। सत्य भाई हमारे साथ, थैंक यू सो मच। पहली बस जर्नी कैसा रहा? मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा आया। अब तो वंदे भारत हो रही थी, अब हमारी बस जर्नी भी हो गई, बस जर्नी मज़ा आया लेकिन लिटरली। ठीक है, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, टाटा टेक केयर। APSRTC की आप देख लीजिए, TSRTC की आप देख लीजिए, सब कुछ है यहाँ पर। ठीक है, मज़ा आ गया ना? मज़ा आ गया जी। चलिए मिलेंगे, टाटा।